नमस्कार बुलेटिन को आपन को स्वागत करुच मु स्वागतिका बुलेटिन आरंभ करबा सही दुखद खबर रायगड़ा रे मर्मतुत बस दुर्घटना ए दुर्घटना रे ड्राइवर को व्यतीत अन्य जनकर जीवन जाइछि आहत होइछंती 17 जन यात्री विषम कटक ब्लॉक रो हाजारी डेंग निकट रे एभली दुर्घटना घटीछि। गतकाली कोरापुट रो लक्ष्मीपुर ग्राम रो फर्चू नामक एक घरे बस कटक अभिमुखे यात्रा करथुला हाजारी डेंग निकट रे एहा भारसम हराई रास्ता कडक ओलटि पडिथिला। घटनास्थल रे ही दुई जनक जीवन जाइथिला आहत होइछंती 17 जन तेबे दुई जन मृत व्यक्ति परिचय मिल पारि नाही। आहत यात्री मानक तुरंत विषम कटक हस्पिटाल भर्ती कर तेबे जनकर अवस्था गुरुतर हेबारु तांको विशाखापट्टनम को स्थानांतरित कर गतकाली राति प्राय 9:30 रे एभली दुर्घटना घटी। अग्निशम विभाग कर्मचारी माने स्थानीय लोकंक सहायता रे उद्धार कार्य करथिले। रायगड़ा जिलापाल प्रमोद कुमार बेहरा दुर्घटना स्थल को जाई स्थिति अनुधान करने समस्त आहत को मागणा चिकित्सा जगह दिजाई। अधिक सूचना देवा बर्तमान फोन लाइन जोड़े होती आम प्रतिनिधि निरंजन पाल। निरंजन जो अभावन दुखद घटना घटला तो प्रथम कहतु तो जो मैंने आहत अच्छा अवस्था बर्तमान केमती रही है बर्तमान अपडेट कौन देखु प्राय 17 जन आहत होती से मधुर जड़े गुरुतर आहत से गुरुतर आहत को गत काली मध्यरात विशाखापट्टनम एक घर मेडिकल को स्थानातर कर तो सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा है कि जो लक्ष्मीपुर कटक अभिमुखे जात्रा कर जो घर बस टी से बस रे केते जन यात्री थे बर्तमान सुधा स्पष्ट हो पारे और जो दुईज मृत्युवरण करचय मिलनी जहाँ कहु कि बस ड्राइवर एवं अन्य जन यात्री दुर्घटना मृत्युवरण कर तो वर्तमान सुधा स्पष्ट होनी कि केते जन बस रे यात्रा करते अंपटे जो स्थान दुर्घटना घटी ता पूर्व बस रे दुई जन ड्राइवर थे प्रथम ड्राइवर जी की यात्रा आरंभ करते बस टी लक्ष्मीपुर रायगड़ा पर्यंत चल आसते परवर्त समय ड्राइवर टी पर होता रायगड़ कटक अभिमुखे जाता बेले हजार डांगे दुर्घटना घटा तो बर्तमान आहत समस्त आहत को विषम कटक डाक्तरखाना और एक घर डाक्तरखाना चिकित्सा कर अन्य जन जो गुरुतर रही गत काली मध्यरात ही स्थानातर कर विशाखापट्टनम को तो बर्तमान सुधा कौन स्पष्ट सूचना मिलनी कि केते जन यात्री यात्रा करते परिवहन विभाग और स्थानीय पुलिस अनुधान करदंत कर जो मैंने भी आहत होते गुरुतर आहत होती से बर्तन जहाँ डाक्तरी सूचना मिली कि समस्त स्टेबुल अच्छा निश्चित भाव से स्वास्थ्य अवस्था ठीक अच्छे आप जो कथा कौन जो मैंने आहत होती धन्यवाद निरंजन आपण समस्त सूचना। लक्ष्मीपुर रु चल गाड़ी चल आसली रायगड़ा रे लोक चढ़ले बाटे लोक चढ़ले से मैंने आमर से जो सी ड्राइवर जे फास्ट जे चलाउला स्टेरिंग रे से भाई चलेले चल खाइली खाई देकि हाथ पा धोई जस्ट हाथ धोईक ये कला बेलू से हेल्पर सहित रही से जस्ट गाड़ी एम उठिक मड़ा साढ़े दसटा दसटा पंद्रह साढ़े दसटा बेल एक्सीडेटा होती ये बसटा बर्तमान लक्ष्मीपुर भाया टिकिरी कटक जाऊला गोटे बेस चौड़ा रोड अच्छे कि टर्निंग बोध ड्राइवर कौन कमी से एक्सीडेट हवा जगह भी नुह एमती एक्सीडेट हो दुर्घटना गोटे तेणु जो आम मात्र ड्राइवर टी आज जो गोटे पैसेंजर जो एक्सपायर कर समस्त को हस्पिटाल रखाई विषम कटक हस्पिटल ट्रिटमेंट चली जनकर सीरीयस अच्छा जहाँ शुणुच्छी भाईजाग रेफर कर डक्टर आडभाइज अनुसार बाकी समस्ते इंजरी गुड़ाक ट्रिटमेंट होती किसी सीरीयस ना। महाराष्ट्र एवं केरल ने खोलिला धर्मानुष्ठान पूजार्चना करिबार सौभाग्य पाइले श्रद्धालु हेले आम राज्य में एबे भी बंद रही धर्मानुष्ठान कोटि कोटि श्रद्धालुओं मनरे से गोटे प्रश्न भक्तों पर खोलि कि श्रीमंदिर यार भितर आज समस्त नजर रीमंदिर परिचालना बैठक पुरी में दिन 10:30 गजपति अध्यक्षत बस श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक जो भक्तों लगी श्रीमंदिर खोलिया नहीं विस्तृत भाव में आलोचना पूर्व मंदिर खोलिया नहीं एकाधिक बार आलोचना होता
हेले अधिकांश सेवायत भक्तों पर मंदिर खोलिबा सपक्षरे रही नथिले। हेले विभिन्न राज्य में प्रसिद्ध मंदिर भक्तों पर खोल जाए राज्य में पुणि धर्मानुष्ठान खोलिबा विभिन्न महल रे दाबी होछि। सेपरी आज होगा बैठक में नागार्जुन बेश प्रस्तुति समीक्षा कर परिचालना कमिटी। सेपरी श्रीमंदिर बजेट जमिजमा नहीं बैठक में आलोचना होवार संभावना अछि। नवीन निवास स्वाभिमान अंचल कोरोना काल में किभली रही स्वाभिमान अंचल एने आज टेलीफोन मध्यम स्वाभिमान अंचल बासिंदा सहित कथा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक दिन 11:30 फोन जगे लोकों सहित कथा से दुख सुख बुझे मुख्यमंत्री ए अवसर में मोबाइल बंटन कार्यक्रम रही। इस संपर्क में अधिक सूचना देवा वर्तमान फोन लाइन जोड़ी होती प्रतिनिधि महेन्द्र पाणिग्राही। महेन्द्र कथा मोबाइल बांटे स्वाभिमान अंचलवासी सहित कथा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के खुशी अच्छा स्थानीय लोक मैंने स्वागतिका देखते जहां कहते नवीन निवास स्वाभिमान अंचल जहां पूर्व लालगढ़ कहला स्वाभिमान अंचल में परिणत होखापाखि 100 रु 150 कोटी रास्ता कम स्वाभिमान अंचल चालू रही जो राज्य सरकार तरफ जो योजना रही टेलीफोन जोजोग स्वाभिमान अंचल में तो तेणुक जोड़ा आम्रे जो नवनिर्मित एक पुलिस कैंप पुलिस थाना गोटे निर्माण है से एक एयरटेल नेटवर्क सेठी सेठी 4G नेटवर्क स्वाभिमान अंचलवासी लाभ उठे पार तो तेणुक आज स्वाभिमान अंचल पाखापाखि 100 रु 150 लोक मोबाइल बंटा जा 11:30 समय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे साधारण लोकों सहित कथा हे स्वाभिमान अंचलवासी सहित कथा हे से कौन सब असुविधा रही सीधा सड़क नवीन को कहे निश्चित भाव में जहाँ सुख दुख बांटे नवीन पटनायक लोकों सहित कथा तेरे पाखापाखि केते मोबाइल आज बंटा जा किभली सब प्रस्तुति कर महेन्द्र जानवाक चाहबु स्वागतिका देखु आज जो मंत्री रही आईटी मंत्री रही तुषार कांति बेहरा सी आज स्वाभिमान अंचल एवं जो एमपी रही रमेश माझी रही आसएलए स्वाभिमान अंचल गस्त करते जो भी साधारण लोकं एक्जुट कराई से अभोग मुख्यमंत्री निकट में जनइबे कौन कौन सब असुविधा भोगुं गुरुप्रिया सेतु हाँ से विकास के पारे आउ कौन कौन विकास हो जड़े मूल कथ जो मोबाइल कथा जो मोबाइल है जो भी आज साधारण लोकों अभोग सरकारी अफिस् को आसो सरकारी दफ्तर को आसो तो तेणुक मुख्यमंत्री एक छोटिया प्रयास साधारण लोकों कि मोबाइल दिजाने योगाजगर मध्यम को किभली भाव व्यवहार करेंगे और लाभ उठाई पारे ता मूल उद्देश्य मुख्यमंत्री नवीन पटनायक निश्चित भाव ये रही मुख्य उद्देश्य। धन्यवाद महेन्द्र आपण समस्त सूचना। अच्छा परवर्त खबर को पानी को नहीं कली एथर राज्य भितर जिला बनाम जिला भद्रक बनाम केन्द्रापड़ा केन्द्रापड़ा जिला राजकनिकार बारिगदा पाखे खरस्रोता नदी में निर्माणाधीन मेगा पानी जल प्रकल्प को विरोध करी और राजकनिका बासिंदा प्रकल्प विरोध में मसे अभियान चल खरस्रोता बचाओ संग्राम समिति सभा समिति पर गत तीन दिन है चल मानव श्रृंखल समिति कही भारीगदा पाखे 868 कोटी टंका व्यय जो मेगा पानी जल प्रकल्प चली द्वारा भद्रक जिलार लोकने उपकृत हे कि क्षति सहबे राजकनिका और आलीर चाषी और मत्स्यजीवी प्रकल्प द्वारा खरस्रोता नदी जलस्तर कमिबा सहित पानी लुणिया होजुड़ी चाषवास जीविका हर मत्स्यजीवी सेपटे खरस्रोतार सुरक्षा दाबी नहीं स्वर उठाई आलीर पूर्वतन कांग्रेस विधायक देवेन्द्रनाथ शर्मा पड़ोसी जिला को पानी देवाई राजकनिका और आली को कहीं बड़ी पकाऊ प्रश्न करु आली विधायक प्रताप देव कहते खरस्रोता उपरोटी प्रकल्प करारिगदा मेगा प्रोजेक्ट छड़ा आलीर सानमंग राजकनिकार कईथपाड़ पाखे दुईट प्रोजेक्ट कर 268 कोटी 11 लाख टंका खर्च होद्वारा खरस्रोता पा को विशोधन कर आलीर 34 पंचायत और राजकनिकार 29 पंचायत को जगह दिज्व
जेपर्यंत ये प्रकल्प को बंद न करा जाइछि से पर्यंत आमर अनशन चालू रहइबो, आमर धर्मघट चालू रहइबो। आमे आमर मा माटी एवं खरस्वता रो सुरक्षा पाई आमे आमर जीवन बलि दबा दबा पाई मध्य आमे प्रस्तुत अछु। ये अंचल जो ये नदी उपर निर्भर करी चाष करूथिले बा मत्स्यजीवी माने माछ मारूथिले किंवा एठू नदी रु बाली उठाउथिले गुडा सब लुणा हे गले एठी चाषबास सब नष्ट हबो एवं लोक जीविका हरैबे। एथिपाई आम ये प्रकल्प को विरोध करूछु। एठी आम दे प्रस्ताव गोटे ब्यारेज करा जाऊ, ब्यारेज कले पानी अटकिबो एवं आपण जिते जिला को दबा कथा दियंतु, आम चाषर भी लाभ हबो, केनाल सिस्टम हबो, सब कथा हे पारिबो। आम दाबी करू गोटे इनस्ट्रीम ब्यारेज जेमिते आंदपुर रे गोटे करिछंती विद्युत शक्ति मध्ये उत्पादन सेमिते आमर एठी गोटे करा जाऊ। ये प्रकल्प नहीं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दल जो ह्यूमन चेन करके जो प्रदर्शन करुछंती एटा संपूर्ण भाव में मिथ्या एवं जनसाधारण को गोटे भ्रांत धारणा देवाई ये सब कथा चलती। या पक्ष केवल निहित उद्देश्य होती राजनीति, से जो कथा कह कि प्रतिवाद करमती कौन कथा ही ना। तो एने लोकंर अभोग कौन रही लोकंर निश्चित भाव में लोक मैंने विरोध तो करुँच कौन प्रतिक्रिया सामना को आसूसी ए संपर्क अधिक अपडेट आम सहित जोड़ी होती प्रतिनिधि कैलाश चंद्र साहू। कैलाश, खरस्रोता पापाई ओडार बर्तमान कड़ी देखा मिली राजकनिकार आंदोलन 2 किलोमीटर पर्यंत मानव श्रृंखला और जो थे ठिया होती आप देखु महिला युवक छात्र कृषक समस्ते सामिल होती जानवाक चाहिए कि कौन रही मुख्य दाबी कौन रही। हाँ, जदि कह केन्द्रापड़ा जिला आली और राजकनिकारे वसुधा योजन पानी जल जोगान प्रकल्प आरंभ होती कह जो प्रकल्प आरंभ होती आली और राजकनिका दुईट प्रकल्प रही बेले जिलार जो रही पाख पड़ोशी जिला भद्रक खरस्रोता नदी पा जावाप 868 कोटी टकर प्रकल्प आरंभ होती भारीगदा ठारू पानी जल जीव और विशोध कर भद्रक जिलार लोक जोगाई दिजा तेज यही प्रकल्प जो रही आली और राजकनिका लोक रही खरस्रोता बचा संग्राम समिति यह दृढ़ विरोध कर दावी रही खरस्रोता जलस्तर जो भाव दिनक दिन ह्रास पाँच तेणुकर खरस्रोता जलस्तर जो अन्य जिला को जोगाई दिगले जलस्तर आहरी ह्रास पाव जहाँफल कि यार प्रभाव लोक जीवन जीविका उपर पड़े जो रही जेहतु चाषीबंदी अंचल रही परिवार लोक मैंने चाष कर चलता तेणुकर यार प्रभाव सीधा सड़क पड़े जो रही नदी पर लोक निर्भरशील करता जहाँफल प्रभाव पड़े तेणुक विरोध कर पाखापाखि देढ़ धर्मघट और जो रही धारणा दे आसपटे कह दुई दिन तेज पाखापाखि 2 रु 3 किलोमीटर धरी मानव संबल कर हजार हजार लोक छोटू बड़ पर्यंत समस्त सामिल होते सेपटे जब कह बीजेपी जदि कह सपक्ष में बाहरी तेज कौन रही साधारण प्रतिक्रिया रही आम लोक सहित अच्छा साधारण लोक सहित आलोचना करवा कह सर जो प्रकल्प को आरंभ विरोध कर खरस्रोता बचा समय कौन देखु अतीत देश और राज्य राज्य भितर तो विद्रोह चल था जल को नहीं बर्तमान से जल को नहीं जिला भितर आरंभ हो जाए तो विशेषकर ये कनिका अंचल आली अंचल लोक मैंने कृषि उपर निर्भर कर बची था धान एवं रबि फसल हिं मुख्य जीविका तो से पाटा उपरभर कर स्तर जिते कमी जा दिन को दिन से लुणा पा बाहर लुणा पा कौन फसल हम ना से बची पारे ना खाई जुक्ति आम जुक्ति जस्टिफाइड अच्छी तेणु जदि ताकू अन्य जिला को देवाई सरकार विधिवत भाव योजना करुँचे चेक डैम एवं ब्यारेज निर्माण करागले तेल सब समस्या समाधान हम पाटा आग निजाई पा रखिकी अगर को पा दिजा ना आमर तो निजर पा ना पा सरी जा तेणु ये प्रकल्प ब्यारेज और डैम करी अगर जिला को देखिए असुविधा किसी ना निश्चित भाव में प्रतिक्रिया बर्तमान सामना को आसूसी और लोक मैंने प्रकल्प को विरोध करुछन्ते। धन्यवाद कैलाश आपण सूचना। आशा परवर्त खबर को आसंता 4 दिन राज्य में अधिक शीत अनुभूत होना दिन बेला खरा सांग को रातिपम्रा कम सूचना देती आंचलिक पापाग विज्ञान केन्द्र। बंगोपसगर उष्म जलय बाष्प राज्य को प्रवाहित होवर दक्षिण ओडिशा रे कोहला पाग रही जहांफल तापमात्रा विशेष भाव में ह्रास पावना आसंता 5 दिन पर्यंत पाग शुखिल रंगक दिन में खरा अनुभूत हो
तेबे गत 24 घंटे फुलवाणी में सर्वनिम्न 14 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड करा बेले अन्य समस्त स्थान में तापमात्रा स्वाभाविक और स्वाभाविक ठारु 1-2 डिग्री अधिक रही। गत 24 घंटे ओडिशा उपरे पाग मुख्यतः भाव में शुखिला रही। सर्वनिम्न रात्रि तापमात्रा 14 डिग्री सेल्सियस फुलवाणी ठारे रेकर्ड करा जाय छि, जहाँ कि ओडिशा समतल अंचल मध्यरे सर्वठार कम रही। पहाड़िया अंचल मध्यरे दारिंगबाड़ी ठारे 15 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रेकर्ड करा जाय छि। आगामी जो आमर सिस्टम बर्तमान जेहेतु ओडिशा उपरे कोनोसी नाय किबा तार आखपाख अंचल कोनो सिस्टम नाय, तेनु मुख्यतः भाव में आगामी 5 दिन पई पाग शुखिला रहइबो। किंतु जेहेतु बंगोपसागर उष्म जलीय बाष्पपूर्ण वायु ओडिशार दक्षिण भाग को प्रवाहित होउछि, त ता प्रभाव रे आपणकर पार्टली क्लाउड स्काय रहइबो किछि अंचल रे, एवं ता द्वारा रात्रि तापमात्रा रे सामान्यतम वृद्धि होबो। किंतु ओवरऑलली आमे जदि देखिबा आगामी 3-4 दिन पर्यंत रात्रि तापमात्रा सेमिति कोनोसी परिवर्तनर सूचना नाही। पानीपाग संपर्क अधिक अपडेट पाई बर्तमान आम सहित जोड़ी होती प्रतिनिधि सुमंत सुंदराय। सुमंत, पानीपाग विभाग पक्ष तो निश्चित भाव में कहुई 5 दिन स्थित ना कौन पर अपडेट रही है कहतु तो जदि आम कह कि नवेम्बर 5 रु नवेम्बर 10 जाए धीरे धीरे राज्य में शीत बढ़ुला तापम्रा कमुला और लोक मैंने शीत वस्त्र किणुते और मेजर प्रिकसन नहीं बाहर को बाहर थे, तेणु से ही आधार में जब कह परवर्त समय हठात 10 बेलू पश्चिम वायु प्रभावित होला और शीतर परिमाण कमिला और तापम्रा पुणी बढ़ला एवं पुणी मझे शीत अनुभूत होगा बेलू कथा हो बंगोपसागर उष्म जलवायु प्रभावित होणु जहाँफल बर्तमान खराब होपम्रा बढ़ुच्च शीतर परिमाण बर्तमान कमुची रातिर तापम्रा बढ़ु शीत बर्तमान कमार प्रश्न उठुनि बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र स्पष्ट करछि। किंतु जहाँ वर्तमान अपडेट रही आउ 3 दिन जाए यह भाव में स्थिति लागि रहइबो एवं ता परवर्ती समय रे जे धीरे धीरे राज्य रे शीतर परिमाण बढ़िबो आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र कहिछि। किंतु जो बंगोपसागर जो उष्म जलवायु प्रभावित होउछि केवल दक्षिण ओडिशा रे कोहला पाग रहिछि, बाकी उत्तर ओडिशा पूर्व ओडिशा पश्चिम ओडिशा रे मध्य सेभली भाव रे कोहला पाग नाही। किंतु राति रे तापमात्रा कमुनी किंतु दिनर मध्य खरा बढ़ुची जहाँफल ए जो उष्म जलवायु प्रभावित होणु ताकू जब देखा कि फल बर्तमान शीतर परिमाण एवं बर्तमान देखा मिलना किंतु कथा होते पूर्व ओडिशा पश्चिम ओडिशा उत्तर ओडिशा रे कु छाड़ी देला परे केवल दक्षिण ओडिशा रे रही जे कोहला पाग रही ये आउ लगातार 3 दिन पर्यंत रहइबो एवं राज्य रे 3 दिन परे 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 मध्य यदि आम कह कि शीत धीरे धीरे पुणी सारा राज्य को कबलित करइबो। निश्चित भाव में बंगोपसागर उष्म जलीय बाष्पर निश्चित भाव में प्रभाव पड़ी। धन्यवाद सुमंत आपणक समस्त सूचना पाई। चाषीों धान किणापी सरकार तत्पर, पश्चिम ओडिशा रे धान क्रय आरंभ हो कौन स्थान में एपर्यंत अव्यवस्था होना बोली खाद्य जोगाण मंत्री कहते, किंतु बास्तव में चित्र अलग। चाषी मैंने कहते टोक न मिलवर धान बिके पारुनु, मंडी में घोर अव्यवस्था अच्छे। धान किणारे नाही अव्यवस्था, संबलपुर बरगढ़ और कलाहांडी सुरखुरी चली धान किणा एजाए कौन स्थानू अव्यवस्थार अभोग आसीना बोली खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वईं। मंत्री कहते जो मैंने पंजीकरण करोकन पाँचो धान प्रस्तुत हो रही टोकन दि जाए एजाए 46,600 मेट्रिक टन रु अधिक किणा सरी बेले ए वर्ष रेकर्ड 71,00,000 मेट्रिक टन धान संग्रह लक्ष्य रखा। राज्य में धान संग्रह नीति अनुसार जलसेचित जमि में एकर पिछा 19 क्विंटाल और अणजलसेचित जमि संग्रह हो 13 क्विंटाल धान। जो मानकर धान रेडी कह टोकन अप्लाई कर 71,00,000 मेट्रिक टन जहाँ इतिहास 50 टक ना 70 पहुंचे
ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଧାନ ରହିବ ରେଜିଷ୍ଟର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆମେ ତ କିଣିବୁ ବଟ୍ ଗିଭିଂ ଏ ଲେବଲ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟୁ ଏଭ୍ରିବଡି ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଫାର୍ମର୍ସ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଓ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ଭିତରେ ଢେର ଫରକ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଧାନ କିଣା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ନେଇ ଆସିଥିବା ବରଗଡ଼ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। କାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍, କେନ୍ସି ମଣ୍ଡି ନ ତ ଗୋଦାମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ନାଇଁନ, ତାର୍ପରେ ଖୁଲା ଆକାଶ ତଲେ ଧାନ ମାନେ ଆମର ପଡ଼ୁଛେ, ତୁ କ'ଣ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛେ, ଲୋକ ଧାନ ମଡ଼େ ସାରିଲେନ ଅଣ୍ଡର ରେଟ୍ ନେ ହୁଏ, ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ହେବା ବୋଲଛନ୍, ଧାନ ମଡ଼େ ସାରିଲେନ ଭୁତି ଦେବାର ଲାଗି ଆମର ପଇସା ନାଇଁନ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଟୁକନ ନେ ଆସି ଧାନ ବିକି ନେ ପାର୍ବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏନ୍ତା ହେଇଛେ। ମଣ୍ଡିରେ ଖାଲି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛେ ବୋଲଛନ୍, ସବୁ ମେଲା ଆକାଶ ଖୁଲା ଆକାଶ କାଗଜ କଲମ ଚାଲିଛି, ଖାଲି କାଗଜ କଲମ ଚାଲିଛେ, ମଣ୍ଡି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣ କହୁଛନ୍, ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣ ପୁରା ଧୀରେ କହି ଦଉଛନ୍, ହେନ ସବୁ ମେଲା ଆସିକିରି ଦେଖତେ ଖୋଲା ଆକାଶକେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝତେ ବେଲେ ସବୁ ଜାଣତେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଟା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଜରୁରୀ, କାରଣ ଆଗରୁ ଟୋକନ ଯେଉଁ ଦେଉଥିଲେ ସେଇଟା ବଳକା ରହିଯାଉଥିଲା, ଏକରକୁ 20-25 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଯେଉଁଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଣିବେ ବଳକା ଧାନ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଚାଷୀଙ୍କର ବଡ଼ ଟେନସନ ଟୋକନକୁ ନେଇ, ଯଦି ଟୋକନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳିଯାଏ ତେବେ ଧାନ କିଣାବିକା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ, ତେବେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ଭାବେ କରାଯିବା ଦରକାର ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ରୁ ରଞ୍ଜନ ଦେବତା, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଅଂଶୁମାନ ପାତ୍ର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଅସାଧୁ ଧାନ ବେପାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଏ ଦିଗରେ ଚିଠି ଦେଇଛି। ଛତିଶଗଡ଼ର ଧାନ ଯେପରି ଜିଲ୍ଲାରେ ନ ପଶେ ସେ ନେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଚିଠିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଧାନ କିଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାଇଦା ନେଇପାରନ୍ତି ଅସାଧୁ ବେପାରୀ। ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ଏଥିସହିତ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଏନେଇ କେହି ଧରାପଡ଼ନ୍ତି ତାହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବେପାରୀ ଏବଂ ମିଲରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଟୋକନ ଅନୁସାରେ ଧାନ କିଣିବାକୁ ବିଭାଗ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ଲାଞ୍ଚୁଆ ତହସିଲଦାର ଗିରଫ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ତହସିଲଦାର ସୁବ୍ରତ ବେହେରା ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲରେ। ତେବେ ତହସିଲଦାର ଘାଟ କଇଁଚରା ଗାଁର କାହ୍ନୁ ଚରଣ ଦାସଙ୍କଠାରୁ ଜମି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବାବଦରେ 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତରଭା ତହସିଲଦାର କାହ୍ନୁ ଚରଣଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଜମି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବାବଦକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କାହ୍ନୁ ଚରଣ ସୋନପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଯୋଜନା ମୁତାବକ ତରଭା ତହସିଲଦାର ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଦେବାବେଳେ ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମିଳିତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତରଭା ତହସିଲଦାର ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। କାହ୍ନୁଚରଣ ଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ତରଭା ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମକୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଗୋଟେ ଜାଗା 10 ଫିଟ୍ରୁ 20 ଫିଟ୍ର ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ସେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଲଡିଟ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସେଲଡିଟ୍ଟା ସେ ଦେଇଥିଲେ ଗତ 4/11/2020 ସୁବ୍ରତ ବେହେରା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର, ଯେଉଁଟାକି ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟର କାମ ଇଏ ବି କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ଆସନ୍ତା ତୁମେ 16 ଦିନ ତୁମେ ମୋତେ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତୁମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବି, ନହେଲେ ତୁମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ କି ରିପୋର୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ଆମର ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଲା, ତାଙ୍କଠୁ ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଏଇ 8:15 ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଧରିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଜେସନରୁ ଆମେ 20,000 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ବି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବୀର ମହାରାଜପୁର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ଲୋକମାନେ ଖେଳକୁଦ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟାୟାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କିନ୍ତୁ କେତେକ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ସେଠାରେ ଯେହେତୁ ଆଡ୍ଡା ପକାଉଛନ୍ତି, ମଦ ପିଇ ମଦ ପାଉଚ୍ ପକାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ସେପଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ବକ୍ସିଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମଦ ବୋତଲ ସହିତ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟମାନେ। ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀର ମହାରାଜପୁର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯାହା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜାଗାରେ ଅସାମାଜିକଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବକ୍ସିଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସଫା କରାଯାଉଛି, ମଦ ବୋତଲ କାଚ ପଡ଼ିଛି ତାହା ସଫା କରାଯାଉଛି, କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଧରି ସେମାନେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅଳିଆ ହୋଇଛି ଯାହା
असामाजिकक लोक आड्डास्थल पलटि तेरे सफा कर कौन कहे ये स्टाडियम अवस्था नहीं सर देखो एक्चुअली बीरमहाजपुर जिन स्टाडियम अच्छे मिनी स्टाडियम मिनि स्टाडियम प्राय सकल एवं करोना महामारी करोना पर हजार हजार पिला इन आज शिखुन तार संगे संगे आम सुवर्णपुर बक्सींग ग्रुप इन तक सब बक्सींग प्राक्ट कर छुक सबको नहीं देखा जाए जेन जगह से बक्सींगे भी आम असामाजिक गोष्ठी बहुत अच्छे जी मद मद पी से पड़िया काचकुचा पकई दौन छोट छोट छुआ मैंने आउन मद बोतल पाउच ये सब जिन पढ़वार सत्ते क्या हूँ प्रभाव पड़ू तार क्या हूँ ट्रेनिंग उपरे भी प्रभाव पड़ू जेहेतु आम इन रन करुँ दुनिया एक्टिविट जिन मैंने करुँ जार फल किए काच मारी दूसरी यार किए कण कर डेली जेन जगार प्राक्ट करें आसिक पिजन आज आम बक्सींग ग्रुप रु ये सफासुफी कार्यक्रम चलुचे आम रेगुला सका आसिकी प्राक्ट करसुँ आउ जेन जगार प्राक्ट करसुँ से ही किसी असामाजिक व्यक्ति मैंने आसिक मद्यपान करुन से जगार ही से काच बोतल मैंने पकईक पलाऊन तो आम से अनुरोध करुँ कि अलर्ट रुँ जेहेतु आम सब दिन बक्सींग प्राक्ट करुँ आसुँ सफा करुँ अलिया मान भी पड़ीजे सब सफा करके जाऊँ प्रतिदिन सफा कर सारापर तार आर दिन देखला फैन जेनता के सैटा आम बीरमहाराजपुर को पर चाहूँ आम सका आसा देखा सबुआ मद बोतल पानी पाउ सबकि पड़ी हेल्ले आम डेली सफा कर किए के पड़ जाए किए काच मारी दूसरी किए जल्दी छेड़ पड़ जाए कार गोड़ मचकी जाऊँ से सफा डेली सफा कर देख आम ग्रुप बाहर आम सफा कल बाध्य तेज पुलिस प्रशासन को अनुरोध करूँगी कड़ा प्रहरा प्रहरा देवाई सुवर्णपुर जिला बीरमहाराजपुर मिनि विजु पट्टनायक मिनि स्टाडियम सत्यवान पुरोहित न्यूज 18 ओडिया समस्त होती बुलेटिन को एट रखा नमस्कार।